जिस लोगों ने अनिल मसीह का साथ दिया उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अनिल मसीह जी जैसे आप लोग जानते हैं कि वो एक मसीहा बनके बीजेपी के लिए आए थे, और जिस हिसाब से उन्होंने, आप लोग फोटोज अगर भूल गए हो कहीं तो मैं कहूँगा अपने साथ वालों को कि इनकी कुछ फोटोज हैं जो के अंदर वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो दो साइड में जो फोटोग्राफ्स हैं, और दो फोटोग्राफ्स हैं कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं संजय टंडन जी उनके साथ किए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एक मिनोरिटी विंग के अंदर जनरल सेक्रेटरी थे और जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया, और नॉमिनेट करने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किया और कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके इंडिया गठजोड़ ये लड़ाई जीत के आया, और कुलदीप कुमार जी हमारे मेयर आपके आगे बैठे हुए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया। इतने महीने के बाद भी आज तक अनिल मसीह को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से नहीं निकाला, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और डिफरेंट एरियाज के अंदर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं उनके लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात मान नहीं रही, लेकिन डिफरेंट एरियाज के अंदर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन का खून किया, हमारे संविधान का खून किया, और पूरे देश के अंदर चंडीगढ़ के अंदर जो काम किया, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ना ही कि अपना हिस्सा बनाया हुआ है बल्कि उनको कैंपेनिंग में भी यूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको पार्टी में रखा हुआ है और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होने दे। क्योंकि हमने SHO सेक्टर 17 को 1 फरवरी को कंप्लेंट दी थी, टिल डेट उस कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने दिया जा रहा, टिल डेट। उसके ऊपर हम SSP मैडम को भी मिले थे और SSP मैडम ने भी हमें कहा था कि हम जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। इससे होता क्या, अगर कोई इंसान ऐसे काम करता है और उसको अगर पनिशमेंट मिलती है तो आगे लोग ऐसे काम नहीं करते, पर अगर कोई इंसान ये काम करता है और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती तो लोग ऐसे काम करते। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कैंपेनिंग कर रही है, जिस हिसाब से ऐसे काम कर रही है, तो उनको बढ़ावा मिलता है गलत काम कर। इसके कई एग्जाम्पल हम आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ और भी रूबरू करेंगे और भी आपको बताएंगे। हालांकि एक एग्जाम्पल तो आज ही हुआ है जिसके अंदर वो लोग कैसे सरकारी कर्मचारियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, जो कल भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुभाष चावला जी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके थे और एक्स मेयर रह चुके थे दो बार, कांग्रेस ने उनको बड़ा मान सम्मान बख्शा, और वो ये कह रहे थे कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ जो टाई अप हुआ है उससे दुखी। बड़ी हैरानगी की बात है कि सुभाष चावला जी को बहुत देर बाद पता लगा कि ये टाई अप हुआ। मेयर चुनाव के अंदर मुझे अभी भी याद है कि सुभाष चावला जी हमारे साथ कंधे के साथ कंधा लगा के मेयर चुनाव हमारे साथ लड़ रहे थे। इस बार उनसे मेयर चुनाव हुआ था, रात को 1 बजे तक ये मेरे साथ सेक्टर 41 में जसबीर बंटी जी के घर के बाहर बैठे थे। तब इनको महसूस नहीं हुआ, और ये बात लगभग 16 जनवरी की, और आज आपके आगे तारीख क्या है, 16 मई। तो इतने महीने इनको लग गए ये समझ आने में। तो इससे बात बड़ी क्लियर होती है कि अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी पर्सनल एडवांटेजेस लेने के लिए इन्होंने ये काम किया। जो लोग पर्सनल एडवांटेज लेके और इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं, उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का बहुत नुकसान किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने क्या कांग्रेस का फायदा किया था जिस पार्टी में गया? अगर आप इतने दुखी थे तो आप घर बैठ सकते थे रिजाइन करके, लेकिन
बात को टालने के लिए, बात को कहीं और घुमाने के लिए। कल तक तो वो, परसों की बात है जी, नॉमिनेशन के अंदर वो साथ एक हिस्सा बने हुए थे, और कल जाके ऐसी बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ के लोग को ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो फॉर्मूले, जो तरीके अपनाती है पॉलिटिक्स के अंदर, वो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं मेयर चुनाव के अंदर। आज ये बात, सवाल पूछ लो, एक भी सवाल पूछ लो, आप उनको कहो कि वो पार्टी का हिस्सा है कि नहीं, वो जवाब नहीं देंगे। जो इनके मल्होत्रा साहब प्रधान जी लगे हुए हैं, उनसे आप पूछो कि ये प्लॉट क्यों करा गया था। ऐसा काम जब आपको बड़ा क्लियर था कि जिस हिसाब से अनिल मसीह को आप लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, और अब तो उनके ही एक्स प्रधान और एक्स मेयर चैनल के ऊपर कह रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया?